नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेश एलोवेरा जेल कैसे निकालें, वो भी अपने घर में आसानी से। तो ये देखिए, ये हमारे पास एलोवेरा का जो है पौधा है, तो हम इसको काट लेते हैं। चलिए इसी काट लेते हैं। ये देखिए, तो इसे किस तरह से जेल निकालना वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो इसको खड़े ऐसे रखें इस तरह से, और आधा घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसका जो जहर है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो मैं इसको जो है रख दूंगा, और मैंने जो पहले से जो रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ उससे किस तरह से जो है निकालना है। तो दोस्तों, इसको जब आधा एक घंटा आप ऐसे खड़े रखते हैं कहीं भी, चाहे कहीं भी आप ऐसे रख दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे जो है इसका जो जो स्लो पॉइजन है वो धीरे धीरे निकलेगा। तो उसको निकाल के फिर उसको जो इतना हिस्सा काट लें, आप इस तरह से काट के फेंक दें, तो उसका जहर जो है नीचे निकल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने जहर जो है जिसका निकाल रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने पहले से काट रखा था और इसका निकाल दिया मैंने, फिर भी इसको निकाल देता हूँ इस तरह से। ये देखिए, एकदम फ्रेश एलोवेरा जेल, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, जंगल में जो है कहीं भी ये उग जाता है, और बहुत बढ़िया। इसको आप ऊपर से स्किन निकालनी है इसकी, इस तरह से देखिए। दोस्तों, इसको आप जूस भी बनाकर पी सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ना पिए, क्योंकि इसमें पेट की बीमारी, कुछ गैस वैस से संबंधित समस्याएं आ जाती है। ये देखिए, ये जो है देखिए एकदम फ्रेश, बहुत बढ़िया है। जब भी आप इसका जूस बनाएं तो जो है एक ग्लास पानी में जो है इतना जो है आप जेल डालें, और इसको अच्छी से जो है चाहे तो मिक्सी में इसको घुमा लें, और इसमें थोड़ा सा जो है आप चाहे तो नींबू का रस डाल लें, बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ना लें। तो इस तरह से आप जो है चाहे तो आप अपने फेस में भी लगा सकते हैं, आपके चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, एकदम फ्रेश। इसे घृत कुमारी भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। तो ये देखिए तैयार है। तो जब भी आप अगर जूस पीना चाहें तो बहुत थोड़ी मात्रा में लें, और उसको जो है पूरे जो है मिक्सी में अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर लें, और एक गिलास पानी में लें। तो इस तरह से आप अपने घर में एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं, पॉइजन भी निकल जाएगा। किस तरह से मैंने आपको बताया कि आधे घंटे के लिए आपको रखना है ताकि जो है उसका जो है जहर जो बाहर निकल जाए। तो इसी के साथ आप मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।